बॉलिंग या फिर बैटिंग, प्रेफरेंस क्या है? अभी तो बैटिंग ही करूंगा ना मैं। यार ये वैसे मेरा सवाल है, आपने इतने आउट किए में इतनी आप बॉलिंग अच्छी करते रहते हैं, क्या ये बॉलिंग क्यों छोड़ी थी आपने? मैं थोड़ी करवाते मैं क्या करूं? नहीं लेकिन आपने कभी बोला ऐसे यार थोड़ी बॉलिंग तो कराओ ना एक ओवर ऐसी, ये मैं कर लूं, अल्लाह माफ करे, होता है मैं कर लूं। मैं भाई इतनी टेंशन होती है ये करने का टाइम नहीं मिलता। मैं बोल रहा था ऐसे में पूछता हां यार तेरी बॉलिंग मैं कर लूं, मैं कभी ऐसे मुझे तो क्लब भी नहीं यार भाई प्लीज दे दो, कभी वाला होता मुझे नहीं कराई बॉलिंग। हां मैं नहीं खेल रहा ऐसा ना करे, घर पे नहीं कर सकता बंदा तो इधर क्या करेगा। ठीक है, बहुत कितना आउट किए आपने? अच्छे खासे आउट किए में यार। क्या किए में? कितना आउट किए में आपने? डोमेस्टिक में तो किए मैं, T20 में भी, वनडेज में भी, और आप मुझे 4 डे में भी। 2009 के वर्ल्ड कप तक आप प्रॉपर गेंदे करते रहे। हाँ बॉलिंग करता था, बॉलिंग करता। क्या सीन है यार बॉस? तो बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग बैटिंग बैटिंग। अच्छा जी, घर दामाद या फिर खुदकश मोहब्बत? खुदकश मोहब्बत। हाँ जी बताएं। खुदकश मोहब्बत। खुदकश मोहब्बत, ठीक है। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, खुद बताएंगे, बताइए क्या है ये दोनों चीजें। ये वेब फिल्म थी जो मैंने की थी लास्ट ईयर, एक्टिंग वेंचर्स थी ये। एग्जैक्टली, एक घर दामाद और एक खुदकश मोहब्बत। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था क्योंकि नई चीज करने के लिए थी और आपने मजा आया, एंजॉय किया, अच्छा किया, एंजॉय किया। बहुत सारे लोग हमारे स्ट्रगल करते हैं इस तरह से, लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये कैमरे की चीजें कब खत्म की आपने, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफी घबराते हैं लोग भाई कैमरे के सामने। यार आई थिंक एक तो क्रिकेट तो खेलते खेलते हैं, लेकिन जो जुबली के साथ मैं PSL करता हूँ, जी बिल्कुल, उसमें जो होस्टिंग करता हूँ, आई थिंक जो झिझक ये बोलने का जो इतना फ्लो टाइप जो है वो उसने खत्म कराई है मेरे ख्याल से। उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, जो उस्मान भाई ने मुझे लेके जाके जो है ना ये एक अपॉर्चुनिटी दी, जब मैं टीम में नहीं था तो उन्होंने एक ये अपॉर्चुनिटी दी कि PSL नहीं खेल रहा था, उन्होंने कहा ये आ जाओ तुम करो। मैंने कहा कैसे करो, कैसे करोगे? तो उन्होंने आज माशाल्लाह ऐसे किया कि हमें डिजिटल में अवार्ड भी मिले उसके। क्या बात है यार, जबरदस्त। अच्छा जी ये बताएंगे, बाबर आजम या फिर सरफराज अहमद? किस चीज़ में? कप्तानी में, दोनों कप्तान है यार। अब देखें ऑन टाइम सैफी उस टाइम अच्छा था, अभी बाबर आजम है। और मुझे लगता है बाबर का भी टाइम बहुत कम हुआ है एज अ कैप्टन, तो इट्स एग्जैक्टली हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप बहुत लीनियंट खेल रहे हैं, ऐसे आप दूसरे के साथ तो नहीं खेलते यार। देख रहे हैं आप, व्हाट इज दिस, देख रहे हैं आप, व्हाट इज दिस बिहेवियर। रियलिटी भी आपको बताना चाहिए ना कि आप एक इतनी जल्दी आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो हमारी पूरी कॉम का मसला है। एग्जैक्टली, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कह सको कोई एक चीज हार तो आप कहते नहीं बुरी बुरा कप्तान है, ऐसे नहीं कह सकते। उसकी कप्तानी में टेस्ट एक। अब दोनों में से कौन सा है, कौन सा एक? क्या करूं, जो पीछे रह गया उसको ना करूं या अभी वाले को करूं? आप बताएंगे यार, ये मुश्किल सवाल है। नहीं यही सवाल है, आसानी की बहुत आसान कर रहे हैं की बात हुई नहीं हमारी। कोई नाराज हो गया तो मैं क्या करूंगा फिर यार, कौन नाराज मना लीजिएगा यार। देखिए सैफी की कप्तानी में तो मैं खेला ही नहीं पाकिस्तान से। हाँ पहली बात तो ये, मैं जिसकी कप्तानी में खेला तो फिर मैं उसी का बोलूंगा कि भाई वो अभी कप्तान है, उसी कप्तानी में खेला, सीरीज भी जीते। कवर करके बता रहे हैं तो बाबर आजम, आप बहुत मौका दे रहे हैं। देखो यार बात रिलेट कर सकता हूं, आप जब भी रिलेट कर सकता हूं भाई। मैं एक कैप्टन के अंडर खेला ही नहीं, मुझे क्या पता वो क्या कैप्टनसी का पाकिस्तान से ज्यादा के बचपन से सैफी के अंडर खेले ही है, मुझे पता है इनका। दोनों आपस में खेलते रहे मोहल्लों में भी, लेकिन ये अभी बोल रहे हैं कि बाबर आजम ठीक है यार सही है। और बाबर के भी इतनी कैप्टनसी हुई नहीं है। नहीं मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मोहल्ले की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में तो मैं नहीं खेला ना सभी। अब मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर मुझे आप बताओ यार आप गलत कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। अगर मैं दोनों, अब मैंने क्या कहा, मैं आपने 8 कप्तानों का बोला, लेकिन मैंने 2 को प्रेफर किया, उन 8 में खेला हूँ। इसमें मैं खेला ही नहीं तो मैं कैसे किसी, नहीं ठीक है।